गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है 22 जनवरी से संभवतः। तो गुप्त नवरात्रि में आज्ञा चक्र जागरण साधना का द्वितीय ग्रुप प्रारंभ किया जा रहा है। आज्ञा चक्र जागरण साधना के बारे में पहले आप जान लीजिए कि आप इससे क्या कर सकते हैं और ये आपको क्यों करना ज़रूरी है। जो भी साधक अध्यात्म मार्ग में, चाहे ध्यान मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हों, चाहे तंत्र मार्ग में, चाहे वह अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हों, भले ही वह दरबार ना लगाएं, भले ही वह लोगों की समस्याओं को ना ठीक करें, किसी के बारे में ना जानें, लेकिन सूक्ष्म जगत को अगर देखना है, समझना है और सूक्ष्म जगत की यात्रा करना है, तो आपको थर्ड आई एक्टिवेशन का जो ये ग्रुप है इसको अवश्य करना चाहिए। इसको करने के बाद आप अपने जीवन में एक अलग द्वार खोल पाते हैं, जिसके माध्यम से आप अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं, अदृश्य शक्तियों से वार्ता कर सकते हैं, आप ऊर्जा को देख सकते हैं, जो ऊर्जा साधारण आँखों से आपको नहीं दिखती, उस ऊर्जा को आप आज्ञा चक्र जागरण साधना के बाद देख सकते हैं, उस ऊर्जा से आप वार्ता कर सकते हैं, चाहे वह ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वह सकारात्मक ऊर्जा हो, दोनों ऊर्जाओं से आप जुड़ सकते हैं और किसको किस प्रकार की समस्या है, किस कारण से है, चाहे वह कारण लौकिक जगत से हो, चाहे भौतिक जगत से, आप उस समस्या का कारण बता सकते हैं, उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं और आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये साधारण आँखें हैं, इन साधारण आँखों से कोई भी दिव्य शक्ति आपको दर्शन नहीं दे सकती। अगर आपको दिव्य शक्ति के दर्शन प्राप्त करने हैं, चाहे माता रानी के दर्शन प्राप्त करने हो, या कोई भी दिव्य आत्मा हो, या इत्र यौन की शक्तियाँ हों, आपकी कोई भी अदृश्य जगत, चाहे अदृश्य लोक हों, आप इन साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है। तो दिव्य चक्षु आपको तभी प्राप्त हो पाएंगे जब आप आज्ञा चक्र जागरण साधना करेंगे, और यह साधना बहुत ही सटीक तरीके से करवाई जाती है कि आप अपने घर बैठे आप इसको कर सकते हैं और आप इसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं, जिसमें सफल होने के बाद आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको शक्ति से कैसे जुड़ना है, किसी चीज़ को कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे मार्गदर्शन में कर पाएंगे, क्योंकि बिना गुरु के आज्ञा चक्र जागरण संभव नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आज्ञा चक्र जागरण करें, तो ये ऑनलाइन साधना ग्रुप है। तो जो भी साधक और साधिका जुड़ना चाहते हैं आज्ञा चक्र जागृत साधना में, तो वह जुड़ सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आपको इसकी पूरी डिटेल बता दी जाएगी। यह पेड ग्रुप है, यह निःशुल्क नहीं है। जो भी साधक या साधिकाएँ करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि में साधना अगर आप करते हैं तो सफलता के चांसेस अधिक होते हैं। इसका पहला बैच जो नवरात्रि बीत गई, शारदीय नवरात्र, उसमें चला था। उसमें लगभग 11 या 12 साधकों ने यह साधना की थी, इसमें से लगभग 10 लोग को सफलता प्राप्त हुई थी। एक हैं जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, लेकिन 10 लोगों को सफलता प्राप्त हुई साधना में। तो जो भी साधक करना चाहते हैं साधना, वह जुड़ जाएं, क्योंकि यह हमेशा नहीं करवाई जाती साधना, बीच ये ग्रुप चलता है, क्योंकि ग्रुप के माध्यम से करेंगे तो आपकी फ़ीस आधी हो जाती है, लेकिन जब व्यक्तिगत कोई साधना करता है तो फीस उसकी जो है दोगुनी रहती है। जो भी साधक साधिकाएं करना चाहते हैं वह इस ग्रुप में जुड़ जाएं और साधना कर लें, क्योंकि यह गुप्त साधना है और इसको करने के बाद आपके आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति होने लगती है। आप पारलौकिक जगत में भी उन्नत कर पाते हैं और लौकिक जगत में भी। तो जो भी जुड़ना चाहें जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि समय बहुत ही नियरेस्ट है। और आप इसके बाद में भी अगर इस वीडियो को देखें, अगर करना चाहें साधना, तो आप बाद में भी कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत लेकर साधना कर सकते हैं। तो इस आपको इसे सूचित करना मात्र था आज की, क्योंकि नवरात्र आ रही है और आप लोगों के लिए यह ग्रुप फिर से बनाया जा रहा है। तो जुड़ जाइए सब लोग और साधना प्रारंभ कीजिए। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मा योग माया।